अपना एपीडी लो लगा दो यार। पहले तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली? हाँ बेसिकली पहले तो आप सभी लोगों को नमस्ते फ्रॉम ट्विंकल कपूर एंड टुडे वी आर शूटिंग। हम एक बहुत ही प्यारा सा फोटो शूट कर रहे हैं, बहुत ही एक अलग अंदाज में फोटो शूट कर रहे हैं वो दिख रहा है जी, जो आपको जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पर दिखाई देगा। काफ़ी खबरें फैल रही हैं आपको लेके मार्केट में और पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है कि आप बिग बॉस में आने वाली हैं, कुछ ऐसा समथिंग बहुत देख रहे हैं, तो उसका क्या है वो थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए कि क्या आप रियल में जाने वाली हैं, किसी ने अप्रोच किया है या आपने अप्रोच किया है, क्या है कुछ क्लियर करिए। देखो मुझे बिग बॉस के लिए लास्ट 3 साल से कॉल आए थे, आई गॉट इन कॉल लास्ट ईयर ऑल्सो, बट मुझे OTT नहीं करना था, डेफिनेटली नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मुझे टेलीविजन पर देखे। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ऑफकोर्स यहाँ तक आने के लिए, तो मैं डेफिनेटली OTT नहीं करना चाहूँगी और मैं टेलीविजन रियलिटी शो करना चाहूँगी, बिकॉज लास्ट ईयर बिग बॉस में हमारे दो शोज थे, करेक्ट, वन वॉज OTT और सेकेंड वन वॉज टेलीविजन। जो OTT के मतलब लोग थे वो टेलीविजन में आए हुए थे। सो ये साल शायद मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बहुत उम्मीद लगा कर बैठे लोग लास्ट ईयर से कि मतलब आ जाइए। तो ऑफकोर्स ये आई हैव बीन अप्रोच्ड फॉर द शो एंड ये 2 साल से हो रहा था, बट एक काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। आप लोगों को मेरे सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी पता चलेगा कि बिग बॉस में अगर आप गई तो क्या रूप देखने को मिलेगा आपका ट्विंकल कपूर। जो मैं एक्चुअल में रियल हूँ और पॉजिटिविटी ऑफकोर्स, मतलब मैं घर में 24 घंटा से पूजा करते रहती हूँ, मेरी पूरी फैमिली ये बोलते रहते हैं कि दीदी हमें, मतलब मेरा भाई और मेरी मॉम, जब भी हम घर पर आते हैं हमें लगता है कि मंदिर में आ गए, सो दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। बट हाँ, अगर मुझसे घर में बिग बॉस की कोई भी मैसअप करेगा या अगर मुझसे कोई भी पंगे लेगा तो फाइट ज़रूर होगी घर में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आता है, बट वैसे तो उतना नहीं। लेकिन बिग बॉस का तो ये है कि अगर हाथ वाथ उठा दिया तो बाहर कर देते, वो तो बहुत बात नहीं होती है, मुंह से बात करने की बात होती है, आप किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते, शायद ही रियल लाइफ में भी नहीं उठा सकते और कहीं भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपका वो अधिकार नहीं होता। झगड़ा देखने को मिलेगा बिल्कुल 100%, अगर मुझे कोई पिंच करेगा, अगर मेरा मतलब यार घर काम तो मैं करते रहती हूँ उसका मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खाना भी बना लूंगी, रोटी भी बना लूंगी, टॉयलेट भी साफ कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन बट डोंट मेस विद मी। ट्विंकल कपूर के बारे में जाना जाता है कि यारों की यार हैं, अगर वहाँ पे दोस्ती फ्रेंडशिप काफ़ी ऐसा भी हुआ है कि रिलेशनशिप भी बन के निकले हैं बाहर अंदर गए हैं, तो उसके फिलहाल मैं मतलब आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ अभी आप सिंगल ही हैं ना। हाँ जी, बिकॉज काफ़ी लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मेरे रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मेरे रिलेशनशिप स्टेटस को जानने के लिए, तो ये मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ कि मेरे को माफ़ कर दो। मैं 6 साल हो चुके हैं मैं सिंगल हूँ, आई एम नॉट एट ऑल डेटिंग एनीबडी, क्योंकि मेरा फोकस अभी मेरा काम है, मेरी लाइफ है, मैं खुद एंड सिंगल हूँ। ऑफकोर्स अगर मैं कमिटेड होती हूँ बिग बॉस शो में, कमिटेड होती हूँ किसी के साथ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं मेरे रिलेशनशिप स्टेटस को छुपाती हूँ, नो नॉट एट ऑल। ऐसा क्यों? छुपाना तो है ही नहीं, मैं छुपाती नहीं हूँ, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है ही नहीं, मतलब मैं तो सिंगल ही हूँ। अभी तक क्यों सिंगल हैं, रीज़न क्या है, आपको मिला नहीं आपकी चॉइस का या नहीं कभी आपने ट्राई नहीं किया? मिला नहीं है, आई नीड अ लॉट ऑफ बॉयज, ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स है काफी, नहीं मतलब जैसे आपको चाहिए। मुझे चाहिए बहुत सिंपल सा लड़का
जो मुझे प्यार करें, जो मेरी तारीफ करें और जो मेरे साथ लॉयल रहे ऑफकोर्स, और जब ऑफकोर्स मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ तो कोई और लड़की को ना देखे, मुझे डायमंड रिंग दे दे, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने डायमंड रिंग नहीं दिया, मुझे प्रपोज नहीं किया है। तो ये सारी मेरी मतलब विशेज है जो छोटी है शायद, मुझे लगता है बाकी की चीज़ें मैं देख लूँगी आगे। एंड झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें मैं एक पर्सनालिटी में देख रही हूँ, ढूंढ तो नहीं रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ अभी, तो जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, ये वाली बात है। बट मेरी मम्मी शी जस्ट रोज सुबह उठकर बोलती शादी कर लो शादी कर लो, अगर आपका अफेयर तो भाग जाओ बढ़ कर मतलब जाओ, बट नो आई एम डेफिनेटली सिंगल। एंड अभी आप लोगों को मेरे वर्क में काफ़ी सारी चीज़ें भी दिखेंगी जिसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ फिलहाल, 6-7 किलो पुट ऑन भी किया हुआ है, तो जल्दी दिखेंगे काफ़ी प्रोजेक्ट्स। इंस्टाग्राम पे भी आपके मिलियन पे मिलियन, अभी कुछ टाइम पहले 1 मिलियन था, फिर 2 हुआ 3 हुआ, कितनी हैप्पी फील कर रही हैं। ओह माय गॉड, मैं जब मैंने 0 से स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पर, मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब 1% मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3 मिलियन क्रॉस करने वाली हूँ। लकी मानती हैं अपने आप? बिल्कुल भी नहीं, ये शायद मुझे लगता है कि मेरा हार्डवर्क है और मेरी ऑफकोर्स सारे लोगों का सपोर्ट है, बिकॉज एक आर्टिस्ट के पीछे इन लोगों का प्यार बहुत मायने रखता है। 3 मिलियन और इंस्टाग्राम, आई होप कि जल्दी से जल्दी 50 मिलियन भी क्रॉस हो। फैंस को कुछ कहेंगी जो जिन्होंने आपको फॉलो किया है, जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, उनको? आप लोग हो तो मैं भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, फॉर ऑल माई वेल विशर्स, फॉर माई हेटर्स प्लीज़ यार, मतलब और थोड़ी बातें करते रहो, मतलब यू नो और थोड़ी बातें करते रहो, और ज़्यादा बातें करते रहो, बिकॉज मेरे जो हेटर्स हैं उन लोग मुझे पुश करते हैं टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, टू बी हियर एंड व्हाट आई एम टुडे। सो हेटर्स के लिए भी थैंक यू, वेल विशर्स के लिए मेरी जान हाजिर है मतलब हमेशा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एक मराठी मुर्गी को आई नेवर थॉट, आई स्टिल पिंच माई सेल्फ एंड आई एम लाइक आई यू ट्विंकल कपूर, आई यू स्टिल देयर, आई मीन आप कहाँ पहुँचे? तो ये आप लोगों की वजह से, सो थैंक यू सो मच। नहीं तो उनको भी प्यार करना चाहिए जो आपको हेट करते हैं, क्योंकि जब तक हेट करने वाले नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये काफ़ी चीज़ें देखी है कि यू नो ये शायद मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस है, जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके दुश्मनों की तादाद बीच में आती रहती है, तो मैं उनसे मतलब आई एम अ पर्सन, मैं कट ऑफ करती हूँ, आई जस्ट इग्नोर द बैड कॉमेंट्स ऑन माई सोशल मीडिया, आई जस्ट इग्नोर द पीपल लाइक अ बॉस लेडी, एंड मैं सोचती हूँ नो ब्रो, मेरे को सुबह उठना है, मुझे जिम जाना है, मुझे काम करना है, रेदर देन लुकिंग आउट फॉर दिस शिट कॉमेंट जो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते, क्योंकि इन द एंड आई पे माई ओन बिल्स, आई एम अ इंडिपेंडेंट वूमेन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सारी चीज़ें तो हमें ही करनी है ना, वो लोग आकर आपका घर नहीं चलाने वाले, तो एज सिंपल एज दैट। और ज़्यादा हेट करते रहो, मुझे बहुत पुश करता है कि भाई मेरे को और आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब आपके जो फैंस हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो इस बार पूरा रेडी होके बैठे कि बिग बॉस में आएंगी, हर एपिसोड आपके लिए। मैं ऐसे शिवर कर रही थी जब ये न्यूज़ वायरल ही गई है, 2 साल से गई है एक्चुअली, और मैं ये सोचती हूँ कि आई होप द चैनल टीम पीपल हम जल्दी कन्फर्मेशन देंगे, अगर चीज़ें होती है, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है भाई, इतना ईजी नहीं है मतलब टू गो इन द रियलिटी शो, बट डेफिनेटली आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द बिग बॉस पेजेस, यू हैज मेड मी फील सो स्पेशल थ्रू आउट द इंस्टाग्राम, बिग बॉस 16 अपडेट्स, बिग बॉस अपडेट्स, एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम, जिन जिन लोगों ने मुझे स्टोरीज में मैंशन किया, लॉट एंड लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन जस्ट वन डे, 500 आर्टिकल्स क्रॉस किए हमने, जबकि मैं शो में गई भी नहीं हूँ अभी तक, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर आप गई तो क्या मोटिव रहेगा, कि ट्रॉफी हाथ में ही रहेगी या कुछ? देखो एक फंडा है, मैं शो जीतूँ या ना जीतूँ, बट मैं शो में जाऊंगी भी मेरी मर्जी से, आऊंगी भी मेरी मर्जी से, मुझे शो से कोई एलिमिनेट नहीं। दिल जीतोगी आप? बिल्कुल, मैं अगर शो में जा रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मुझे कोई एलिमिनेट करके ना निकले, मैं हूँ प्योर मराठी लड़की, मराठी मुलगी फ्रॉम आमची मुंबई, तो मैं डेफिनेटली मेरे फैंस और वेलविशर्स को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, दैट्स 100% श्योर।
मराठी बिग बॉस भी तो आता है उसमें, कभी ट्राई किया? मराठी बिग बॉस एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, तो मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे मराठी बिग बॉस में जाना है, मुझे हिंदी बिग बॉस में जाना है या मुझे कोई और बिग बॉस में जाना है। मैं सारे काम कर लेती हूँ, मुझे अगर वहाँ से भी ऑफर आया आई विल बी डूइंग दैट, मुझे अगर तेलुगु से भी आया ऑफर तो आई विल बी डूइंग दैट, अगर मुझे ये बिग बॉस से आ रहा है तो भी आई विल बी डूइंग दैट। फॉर मी वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वो नहीं देखती कि मराठी है, हिंदी है, तेलुगु है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। चलते चलते ये बताइए कि वर्क के बारे में अपने, अभी क्या बिग बॉस में जाने से पहले क्या है, कुछ चल रहा है? वेब सीरीज मैंने दो की है जो जल्दी आ जाएंगी, अभी प्रॉब्ली रिलीजिंग पर है इन अ वीक। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी अबाउट माई तेलुगु प्रोजेक्ट मकेटू, वो भी चल रही है, सेकेंड थर्ड स्केड्यूल चल रहा है, एंड सॉन्ग्स तो देखे ही आप लोगों ने काफ़ी सारे। सो देर आर मेनी मोर थिंग्स कमिंग अप एंड येस आई एम प्लेइंग अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर इन द होल इंटायर प्रोजेक्ट, क्योंकि कमिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, वर्किंग इन तेलुगु इंडस्ट्री इज़ नॉट ईजी एट ऑल, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत लगती है एट अ टाइम, बिकॉज मुझे लैंग्वेज आती नहीं है, आई हैव टू लिसन टू द प्रॉम्प्टिंग, आई हैव टू एक्ट, आई हैव टू फेस लाइक 500-200 कैमराज एट अ टाइम। सो येस बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को देती। कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि आपकी कोई बड़ी फिल्म भी आने वाली थी साउथ की, कुछ ऐसा? उसका सेकेंड स्केड्यूल चल रहा है, एक स्केड्यूल उसका ओवर हो चुका है, एंड आई होप कि आप लोग वो को, मैं सुदीप खींचा सर के अपोजिट जो रोल कर रही हूँ, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही एक्शन वाइज है, आप लोगों को शायद ही मुझे स्क्रीन पर पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, बिकॉज हमेशा से मैंने रोमांटिक रोल्स किए हैं और ये सब रोल्स किए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू तेलुगु एंड दिस प्रोजेक्ट, बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की है, आई स्टिल हैव मार्क्स ऑन माई फीट, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने के बाद कभी इंजरीज हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो बट येस वी हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, और मैं चाहूँगी कि हाथ जोड़कर चाहूँगी कि ये जैसे आपने मक्खी वन को ब्लॉकबस्टर बनाया वैसे आप टू को भी बनाएंगे। अगर बॉलीवुड में किसी के साथ आपको काम करने का मौका मिले तो वो चॉइस, वो मेल एक्टर कौन होगा जो आप? आदित्य रॉय कपूर होगा, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आदित्य रॉय कपूर, इफ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज रिप्लाई टू माई इंस्टाग्राम DM ASAP, क्योंकि आई एम इन लव विथ यू, आई जस्ट लव हिम एज एन एक्टर, एज द वे ही एक्ट्स, पर्सनैलिटी ऑफकोर्स, और आशिकी मूवी तो देखी है, आशिकी 2 आप लोगों ने, तो उसके बाद से बिकॉज एक्टिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो ये दोनों चीज़ें इन गुड लुक्स भी है। ओके थैंक यू सो मच।